बोलो नहीं, बोलो नहीं। देखिए ये भी आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्न उत्तर है। फर्स्ट है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो महिला शासिका का नाम था, ये पहली महिला शासिका है, रजिया सुल्ताना। समझ गए नहीं? तो प्रथम इनका नाम है ये महिला शासिका में रजिया। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। समझ गए नहीं? कुछ क्वेश्चन इसमें अलग से बन रहे हैं। कोई ये भी पूछ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का नाम क्या था? समझ गए नहीं? तो ये चीज इसमें थोड़ा ध्यान रखो। भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी उम्र बहुत ही ज्यादा थी? जितने भी आज तक प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा उम्र किस प्रधानमंत्री की थी? तो उनमें सबसे ज्यादा उम्र थी मोरारजी देसाई की। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो थे श्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी किनके पुत्र थे? क्या कर रहे थे, सीधे नहीं बैठ सकते? राजीव गांधी किनके पुत्र थे बताइए? राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे। इनके दो पुत्र थे, मतलब एक तो खत्म हो गए और वो दोनों ही खत्म हो गए अभी समय, क्योंकि एक का नाम था राजीव गांधी, दूसरे का नाम संजय गांधी। ठीक है, ये दोनों ही इनके पुत्र खत्म हो चुके हैं, इनका निधन हो चुका है। और ये है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सबसे पहले ये बात किसने कहा था? हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने ये बात बोला था सबसे पहले, आर्यभट्ट ने। आपका जो अब कोई ये भी पूछ सकता है जीरो का आविष्कार किस देश ने किया था, वो भी उसमें भी आपको नाम लेना पड़ेगा, मतलब भारत का जीरो जो है वो किसने दिया है? भारत ने दिया। फिर है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इतिहास की किताब में कई जगह मोहनजोदड़ो शब्द दिया है। तो मोहनजोदड़ो का शब्द है शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का जानते हो जो मरे हुए लोग हैं, टीला जानते हो जैसे रेत का टीला बन जाता है ऊंचा। तो मृतक जो होता है जो मर चुका है उसको बोला जाता है। फिर पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो पशुपालन यानी दुधारू पशुओं को पालना, या फिर तुमने देखा होगा जो बैल होते हैं वो खेती के काम आते हैं, उन ऐसे जानवरों को पालने का काम कब शुरू हुआ था? ये काल था उस समय मध्य पाषाण काल में इसका आरंभ हुआ था। फिर है पहिए एवं कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये पहिए और इसका कृषि का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ था। भाई ये पहिया आज तुमने देखा होगा कई चीजों में लगा होता है, चलती है जैसे गाड़ियां, पहिया ना होता तो ये कैसे विकास होता? जो पहिए का आविष्कार हुआ तभी तो देश ने प्रगति पकड़ी है। तो ये आप काल याद रखिए, ये लिखा हुआ है नव पाषाण काल। फिर सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक है। इसके तीन अलग अलग खंड है, ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। तो आपको कम से कम ये तो नाम याद रखना पड़ेगा त्रिपिटक। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनका है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। तो ये हमारे देश का आदर्श वाक्य है और राष्ट्रीय वाक्य भी है। तो इसको किस उपनिषद से लिया गया था? उस उपनिषद का नाम है मुंडको उपनिषद। ये वाक्य उसी से लिया गया है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? ये भी कवि थे, मतलब ये वहां कविता करते थे तो इनको एक उपाधि दी गई थी भारत का तोता, यानी एक नाम दे दिया था इनको। तो ये नाम था जिनको ये बोला जाता है, उनका नाम था अमीर खुसरो। मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराबाई रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। फिर
अंतर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। इसमें क्या है कि मुख्य इनका इसको गठन करने का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसमें कुछ विशेष सुधार किया जा सके। इसके लिए इस हंटर कमीशन का गठन किया गया था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, प्रेसिडेंट जिसे बोलते हो। अब है भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? इनको तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी, ये हमारे देश की आजादी के लिए शहीद हो गए, तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, एक साथ इन्हें फांसी दी गई थी। फिर भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं? हाई कोर्ट अलग अलग कई जिलों में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहाँ है आपको मालूम? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है हमारे देश का बताइए आप? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है हमारे देश का? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? उच्च सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। देखो बाकी लोग नहीं बता रहे, बोला करो ना तो गलत हो जाएगा, तुम बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है नई दिल्ली में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हमारे देश में कुल जो है 25 उच्च न्यायालय है, जिसको हाई कोर्ट बोलते हो। अब आता है स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई। देखिए स्थल मंडल की ऊंचाई आपको मालूम है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो जितनी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होगी उतनी स्थल मंडल की ऊंचाई होगी, समझ गए नहीं? स्थल मंडल का मतलब पता है, स्थल जमीन होती है यहां से लेकर ऊपर, जहां तक ऊपर आसमान है, जहां तक वो चोटी गई है वहां तक। तो जितनी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई स्थल मंडल की मानी जाती है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया माउंट एवरेस्ट। जितनी स्थल मंडल की ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, ठीक है। अब है स्थल मंडल की अधिकतम गहराई है जमीन के नीचे, तो आपको ये लिखा है संसार का सबसे बड़ा गर्त कौन सा? गड्ढा। तो सब संसार का सबसे बड़ा गड्ढा जो है ये लिखा हुआ है मेरियाना गर्त, इसकी गहराई जो है 11,033 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर नीचे, समझो। 11 किलोमीटर का मतलब जानते हो, यहां से चलेगा बद्री विशाल कालीस्थान, इतनी गहराई है। अब देखिए स्थल मंडल की ये गहराई होगी, तो ये गहराई है 11,033 मीटर और ये इस गर्त का नाम है मेरियाना गर्त। अगर कोई पूछता है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो आप बताइए मेरियाना गर्त, और कोई कहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताइए आप माउंट एवरेस्ट है। अरे इनके दो दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं, अगर वो घुमाने पूछते हैं तो इस तरीके से बता दीजिए आंसर, वैसे तो सीधा सीधा आंसर है ही, लेकिन ये हमने इसलिए लिख दिया है कि जितनी हमारी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है उतनी हमारे स्थल मंडल की ऊंचाई है, तो इसको आप लग करिए, ठीक है।